क्या हो दोस्तों, अगर एक तरफ हमारा महान देश इंडिया हो तो वहीं दूसरी तरफ हो एक बेहद ही ज़्यादा संगीत तानाशाह का देश नॉर्थ कोरिया। वैसे तो कंपैरिजन वाली कोई खास बात ही नहीं बनती, इंडिया बेहद ही ज़्यादा ऊपर लेवल की कंट्री है नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस वीडियो में हम कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से इंडिया और नॉर्थ कोरिया को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए यार, देर किस बात की, जानते हैं दोनों ही देशों के बीच में क्या क्या आपको फ़र्क देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखो। हमारा इंडिया जो कि दोस्तों साउथ एशिया में पड़ने वाला एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा कल्चरल देश, और पूरी दुनिया इसे इसके ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जानती और पहचानती है, जिसकी कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है मुंबई। तो वहीं दोस्तों नॉर्थ कोरिया जो कि ईस्ट एशिया में पड़ने वाला एक बेहद ही ज़्यादा खास लेवल का देश है, हमेशा ही चर्चा में दोस्तों ये देश बना रहता है, और इससे तो अमेरिका भी कई बार खौफ खाता है। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द कोरिया, और यहाँ की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है प्योंगयांग। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हुए, अगर सबसे मेन चीज़ जो सबसे खास चीज़ होती है दोस्तों नॉमिनल जीडीपी पर एक नज़र मारे, तो आज के दिन हमारे इंडिया की नॉमिनल जीडीपी पहुंच चुकी है 2.59 ट्रिलियन US डॉलर के भी पार। हालांकि दोस्तों एक समय पर ये काफ़ी अच्छे से 3 ट्रिलियन US डॉलर की होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते इंडिया को बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम लॉस हुआ। नॉमिनल जीडीपी के मामले में आज के दिन इंडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 6 की। तो वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इनकी टोटल नॉमिनल जीडीपी है 30 बिलियन US डॉलर, और इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पिछड़ी हुई कंट्री है इकॉनमी के मामले में। नॉमिनल जीडीपी तो देख ली, लेकिन अब थोड़ी नज़र मारेंगे दोस्तों हम जीडीपी पर कैपिटा के ऊपर। आज के दिन दोस्तों हमारे इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है 1,917 US डॉलर। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा पछड़ी हुई है दोस्तों यहां पर हमारी कंट्री, लेकिन रैंकिंग है इंडिया की 142वें नंबर की। वहीं नॉर्थ कोरिया तानाशाह के देश की जीडीपी पर कैपिटा है 1,300 US डॉलर, और इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गरीब लोगों वाला देश बनता है। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर हम बेहद ही ज़्यादा खास चीज़ एरिया के बारे में दोस्तों बात करें, तो इंडिया हमारे महान देश का दोस्तों टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं दोस्तों इंडिया इस तरीके से बनता है पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, और हमारे इंडिया का 9.6% हिस्सा कवर है सिर्फ वाटर से। दूसरी तरफ एशिया का ही दोस्तों बेहद ही कमाल लेकिन बेहद ही ज़्यादा खतरनाक देश नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से फैला हुआ है 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इस तरीके से दोस्तों नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा गरीबों वाला देश बन जाता है। आगे चलकर दोस्तों अगर हम बात एवरेज मंथली सैलरी की करें, तो दोस्तों इंडिया में एवरेज जो मंथली सैलरी है लोगों की वो है तकरीबन 33,000, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये है सिर्फ 11,000 के आसपास, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पीछे है नॉर्थ कोरिया इस मामले में इंडिया के। चलिए अब थोड़ी कमाल की लाइफस्टाइल की बात करनी है, तो एसटीआई पर एक नज़र मारते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अब बात होगी। आज के दिन हमारे इंडिया का एसटीआई का लेटेस्ट स्कोर है 0.645, और इस तरीके से हमारा इंडिया दोस्तों आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की लिस्ट में, और इंडिया की रैंकिंग पूरे इंडिया में है नंबर 131वें पर। तो वहीं नॉर्थ कोरिया तो दोस्तों एक ऐसा देश है जो अपनी एसटीआई की रिपोर्ट को क्लेम ही नहीं करता किसी भी तरह से। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ना ही एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और ना ही हेल्थ केयर की, और यहाँ पर तो आप अपनी मर्जी से बाल तक भी नहीं कटवा सकते, इतना दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर आपको परेशान करेगा तानाशाह। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लिटरेसी रेट की। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का दोस्तों लिटरेसी रेट है 75%, तो वहीं नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट है 100%। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने ना कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है। आज के दिन नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों के लिए
एजुकेशन लेना पूरी तरह से ज़रूरी है क्योंकि यही रूल्स हैं तानाशाह के। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, भले ही यहाँ एजुकेटेड हैं लोग और फ्री में आपको एजुकेशन भी मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों नॉर्थ कोरिया का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का है। चलिए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब सर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की। यहाँ पर दोस्तों इंडिया में आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग देखने को मिलेगी 6.51%, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये रेटिंग है सिर्फ 3.60%। यानी नॉर्थ कोरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित हुआ है इंडिया के मुकाबले। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तानाशाह जैसा कहता है वैसे ही काम लोगों को यहाँ ज़बरदस्ती भी करने पड़ते हैं। चलिए थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब पॉवर्टी रेटिंग के बारे में। एक रिपोर्ट में हाल ही में जो आई है दोस्तों फरवरी 2021 में, इसके अनुसार इंडिया में 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और 37% लोग पॉवर्टी में रहकर ज़िंदगी जीने के लिए इंडिया में मजबूर हैं। लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर 60% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे रहकर, गरीबी के अंधेरे में रहकर ज़िंदगी जीती है और तानाशाही दोस्तों यहाँ पर लोगों की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। अगर हम बात फर्टिलिटी रेट की करें तो इंडिया का फर्टिलिटी का स्कोर है 2.22 बर्थ पर वुमेन। यानी इंडिया में एक वुमेन एवरेज तौर पर तकरीबन 2 बच्चों को जन्म देती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रहा है इंडिया का स्कोर, क्योंकि कुछ साल पहले तो दोस्तों ऐसा भी समय था जब एक ही महिला 3 से 4 बच्चों को पैदा करती थी। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इसका फर्टिलिटी का लेटेस्ट स्कोर है 1.90 बर्थ पर वुमेन। यानी यहाँ पर भी एक महिला तकरीबन 2 बच्चों को जन्म देती है। तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पर सही में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनकर सामने आया है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात लाइफ एक्सपेक्टेंसी की करें तो इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.42 साल। यानी इंडिया में लोग एवरेज तौर पर 70 साल तक जिंदा रहते हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया में दोस्तों जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये है सिर्फ 72.10 साल। ये सिर्फ दोस्तों मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे देशों में 80 साल तक भी लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले नॉर्थ कोरिया के लोग ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हुए आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इस मामले में तारीफ तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया की सही में करनी ही पड़ेगी। जीडीपी सेक्टर्स की दोस्तों बात करें तो इंडिया की 49% जीडीपी सर्विसेज से, 14% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग के काम से, 25% जीडीपी इंडस्ट्रीज से और वहीं लगभग 16% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉर्थ कोरिया की दोस्तों बात करें तो इस देश की 63% जीडीपी इंडस्ट्रीज, तो वहीं लगभग 37% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। तो आप दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव कंट्री है या फिर इंडिया का रुतबा इनके सामने बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय तो आप नीचे ज़रूर बता देना। और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हमें लानी है डेली, तो चैनल दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए।